लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये सीजीएल का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2024 का। इसमें क्या गिवन है कि इफ ऑन मार्क प्राइस द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस विद अ डिस्काउंट ऑफ 65% विद टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30 एंड 40 इज 105, देन द मार्क प्राइसेस। ठीक है, मतलब हमारा कुछ मार्क प्राइस है, हमें नहीं पता वो मार्क प्राइस कितना है, और उस पे एक बार जब हम डिस्काउंट कितने का देते हैं, एक बार 65% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं, और एक बार हम कितने का डिस्काउंट दे रहे, दो सक्सेसिव डिस्काउंट, पहले 30% का दिया और फिर उसके बाद हमने कितने का दिया, 40%। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा ना, वो कितना होगा, 105 रुपये होगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। हमें जैसे बोलेंगे कि सेलिंग प्राइस है X रुपीज, उस पर 65% का जब डिस्काउंट है, तो हम उसको कितने पे बेचेंगे, 65% कम कर देंगे और 35% पे बेच देंगे, तो ये उसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35X/100, ये सेलिंग प्राइस आ गया। और दो सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब पहले 35% का, फिर 40% का, मतलब उसी पे एक्स पे पहले हमने 30% का डिस्काउंट दिया, तो मतलब 30% का डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत कितनी रह गई होगी, 70%, और उसके बाद उस पे हमने 40% का और डिस्काउंट दे दिया, मतलब अब उसकी कीमत कितनी रह गई होगी, 60%। तो इसके मैं 2 0 काटता हूँ और 2 0 ये काटता हूँ, तो कितना आ जाएगा, X 7 6 42/100। तो ये बोला गया कि एक ये सेलिंग प्राइस था, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, इन दोनों का जो सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस गिवन है ना, वो आपको कितना गिवन है, वो क्वेश्चन में 105 बोला गया है। मतलब ये जो दूसरा वाला है, X 42/100 माइनस X 35/100, ये हमें बताया कि ये कितना, 105 है। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर कितना आएगा, 7X/100 इज इक्वल टू 105। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 7 1 7 7 5 35, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1500। तुमसे ये पूछा गया था कि इसमें मार्क प्राइस कितना है, तो हमने मार्क प्राइस एक्स माना था, और एक्स कितना आ गया, 1500। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर है।